बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक सतरंगी फूड चैनल सरगोदा, और मैं हूँ आपकी दोस्त मीना तारिक। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे पूरी उम्मीद होती है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने अपने घरों में बहुत सारी खुशियाँ दे, सुकून दे, और हमेशा मुस्कुराते रहें। तो चलें जी, आज हम बनाएंगे मटन की बट कढ़ाई, और बिल्कुल असली रेसिपी के साथ। और उसके लिए हमें क्या कुछ चाहिए, देखिए मैंने सबसे पहले गोश्त को धो लिया है, जिसमें बोनलेस भी है, विद बोन भी है, मतलब मिला जुला गोश्त है ये। तो इसमें मैंने ये चार टमाटर लिए हैं, ये छोटा था, इसको मैंने दो पीस नहीं किया, और इसको मैं ऐसे ही डाल दूँगी। और इसके साथ मैं एक अदद प्याज डालूँगी दरमियाना सा, देखिए थोड़ा सा लिया मैंने। और इसके साथ हम डालेंगे स्पाइसेस में फ़िलहाल के लिए नमक और लाल मिर्च का पाउडर, और लेंगे हम साथ में ये लहसुन और अदरक का पेस्ट। और अब डालूंगी मैं इसके अंदर एक गिलास पानी, क्योंकि टमाटरों के अंदर भी पानी है और गोश्त के अंदर भी पानी है, प्याज़ों में भी पानी है। तो इसको मैं बंद कर दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि मटन जो है अच्छी तरह टेंडर हो सके। टाइम पूरा हो गया था और वेट मैंने हटा दिया था, अब देखें ये ज़बरदस्त हो गया पक रहा है। मैं फ्लेम को फुल कर दूंगी और अभी ये देखें ये उठा लेंगे इसके छिलके। चलें जी, अब डालेंगे इसके अंदर स्पाइसेस। खुश्क धनिया पाउडर डालूंगी और इसके साथ मोटी कुटी हुई काली मिर्च, ये, और टेस्ट के लिए थोड़ा सा ज़ीरा डाल दूँगी। और ये देखें मक्खन, घर का मक्खन ले सकते हैं आप, या आप सॉल्ट वाला लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अभी मैंने इसका पानी खुश करना है, बिल्कुल खुश करना है, और इसी पानी में इसको पकने देना है। पानी खुश कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें जी, इसका मॉइस्चर काफ़ी हद तक कम हो गया है, और अब मैं इसमें थोड़ा कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। ये देखें, इसको मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए आप इसमें थोड़ा सा घी भी शामिल कर सकते हैं। और ये देखें कितना ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी है। और फ्लेम को मैं थोड़ा कम कर दूंगी, और अब मैं डालूंगी इसके अंदर दही, बिल्कुल मैंने ज़ीरो पर कर दिया। ये देखें मैंने दही ले लिया, फ्लेम बिल्कुल ज़ीरो पर है, और दो मिनट पकाने के बाद फिर मैं फ्लेम को फुल करूंगी। फ्लेम मैंने थोड़ा सा तेज़ कर लिया है, और अब मैं ये देखें हमारे मीठू कितना बोलते हैं, अब मैं डालूंगी गरम मसाला। और ये देखें एक एक मिर्च के चार चार पीस हैं, ये डाल दिए, थोड़ा सा धनिया डाल दिया, और ये है जुलियन में कटा हुआ अदरक। इसको अब हम मिक्स करेंगे, और जितनी आप लोगों ने ग्रेवी रखनी है, कम या ज़्यादा, आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। मेरे घर में थोड़ी ग्रेवी पसंद की जाती है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करूँगी। अच्छा जी, अब मैं इसको करने लगी हूँ डिश आउट। ये देखें जी, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, और इसके ऊपर जुलियन में कटा हुआ अदरक भी फेंक दिया, और मिर्च भी मैंने फेंक दी। और जी, क्योंकि अदरक जो है मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद होता है, ये देखें इसके ऊपर मैंने डाल दिया थोड़ा सा और धनिया, और ये है लीमू के स्लाइसेस, और ये है इसकी फाइनल लुक।
ये है बट कढ़ाई की असल रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए आने वाले लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ये आपकी मोहब्बत आपका प्यार हमें बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। तो में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।